सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि जिंदगी में बुरा वक्त आए तो गैरों में छुपे अपनों और अपनों में छुपे गैरों का पता नहीं चलता। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता, एक वो ही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आज का पंचांग 21 नवंबर 2020, दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:48 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:30 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 10:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 21 नवंबर 2020, दिन शनिवार, कार्य अभी विशाल परिणाम और सफलता देने वाला है। आपके प्रदर्शन और प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया है और इसको नई पहचान दी गई है। इस पल की महिमा और आपको प्रदान किए गए इनाम का आनंद लें। जीवन को नए सिरे से शुरू करने का समय आ चुका है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलें। नया दौर समृद्धि और भावनात्मक स्थिरता देगा। भावुक स्वभाव को बदलें और विचार बांटें ताकि आपस की गलतफहमी दूर की जा सके। दुनिया आपको गिरा सकती है पर हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहें। वित्तीय कार्य संबंधी योजना पर काम करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। इस समय ग्रह स्थितियों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक वातावरण बना रही है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी सफल होगी। पुरानी बातों का अंत होने के बाद ही नई की शुरुआत हो सकती है, इसीलिए यदि जीवन में कोई बात अगर छूट रही है तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश ना करें। वक्त के साथ आपको आपके लिए क्या योग्य है और कुछ बातें आपके मन की जैसी क्यों नहीं हुई, इन बातों का भी आकलन होगा। मैनेजमेंट द्वारा कंपनी में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जिसका असर आपकी नौकरी पर भी होगा। रिलेशनशिप में कुछ कठिनाइयों का सामना आज हो सकता है। शरीर तंदुरुस्त होने के बावजूद भी किसी भी काम को करने का उत्साह कम रहेगा। आज के दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आप सुबह भावनात्मक बने रह सकते हैं और सब चीजों के बारे में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के नजरिए से ही सोचेंगे। इससे कुछ गलत फैसलों की भी संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा और आप और स्पष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगे। सावधानियां, व्यर्थ के घूमने फिरने तथा मौज मस्ती में समय व्यतीत करने की अपेक्षा गंभीरता से अपने कार्यों के प्रति ध्यान दें, अन्यथा आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बच्चों की परेशानी को लेकर आपको कुछ चिंता रहेगी, इसलिए कुछ समय उनकी समस्याओं को समझने और हल करने में व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के मामलों में अधिक हस्तक्षेप ना करें,
क्योंकि आपके इस स्वभाव की वजह से परिवार के कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर के लोगों को स्वतंत्रता देने से कार्यों को अच्छी तरह अंजाम आप दे पाएंगे। कार्यस्थल पर बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से विवाद की संभावना है, इसीलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। लव लाइफ में आपको नए मौके मिलने वाले हैं, उनका पूरा फायदा उठाएं। कोई मनपसंद उपहार भी मिल सकता है। खुद को और अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करें। आज के दिन आपके लिए आशा, उत्साह और अवसरों को लेकर आया है। अपने साथी के साथ अपने विचारों को बांटें, ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। आपके जीवन का यह चरण समृद्धि, सफलता और सहानुभूति से भरा हुआ है। याद रखें, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। आज जिसे अभी हाल फिलहाल मिले हैं, उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह भी दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसके प्रति आकर्षित हो, इसलिए सावधान रहें और अपने अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद ही कर लें। बात करते हैं करियर की। आज आप पेशवर आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आप अपने कार्य संबंधित चिंताओं को सशक्त तरीके से आगे रखेंगे एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। कुछ सूक्ष्म संकट कार्यस्थल पर आ सकते हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। आज आपके सहकर्मी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। पैसे में मान्यता, पुरस्कार और अच्छे परिणाम आपकी प्राथमिकता है, जिसके लिए इस समय आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने से आप नए अवसर पा सकते हैं। इस समय सार्वजनिक मामलों और फालतू विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा। सितारे आपके जीवन को समृद्धि, सफलता और नई संभावनाओं से भरने की ओर इशारा कर रहे हैं। कार्यस्थल में आज आपको विजय प्राप्त हो सकता है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। खुद पर विश्वास और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अभी कार्य प्रणाली में परिवर्तन संबंधित योजनाओं को स्थगित रखें और इस समय वर्तमान कार्यों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि घर पर ऑर्डर पूरा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस समय अपने काम के प्रति बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान स्थिति संबंधित नियमों का पालन अवश्य करते रहें। आज आप खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित खाना खिलाकर छोटी छोटी बीमारियों को होने से रोकें। कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों से आप दूर रहें। आप छोटी छोटी बीमारी जैसे कि कफ या कोल्ड को थोड़ी सी अक्ल लगाकर रोक सकते हैं। इस बात की भी काफी संभावना है कि आप बुखार की चपेट में आने वाले हैं। वायरल बुखार भी हो सकता है, लेकिन समय से सावधान हो जाना ही उपयुक्त होगा। एलर्जी और वायरल संक्रमणों से सावधान रहें। आज का उपाय। आज अब शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।